बीते दिनों कैलाशपुर हनमना में वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। नाबालिग निकला महिला का कातिल। 2 साल पहले मोबाइल चोरी का इल्जाम लगा था, जिसके चलते महिला को अकेला देखकर उसने काफी विभत्स तरीके से महिला की हत्या कर डाली। बीते 1 फरवरी को कैलाशपुर में वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। नाबालिग निकला महिला का कातिल। रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीके लाल ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए बताया। 1 फरवरी को सुखवरी पति ब्रजलाल गुप्ता की हत्या होने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने हत्या को एक चैलेंज की तरह लिया था, मुखबिर का जाल बिछाया, अपनी टीम को सक्रिय किया। पुलिस को जानकारी मिली एक नाबालिग बालक से हत्या की कड़ी जुड़ सकती है। पुलिस ने उस बालक को उठाया, उससे पूछताछ की, उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। जो कहानी निकलकर सामने आई है उसको सुनकर साफ तौर से लगता है बालक के मन में कितना गुस्सा रहा होगा उस परिवार को लेकर, जिसके चलते उसने इस विभत्स तरीके से ये कदम उठाया। उस लड़के ने देखा महिला के परिवार में उसका पति और बेटा काफी दिनों से बाहर है, जिसके चलते उसने 30 जनवरी की रात महिला के घर में प्रवेश किया। महिला खटिया पर सो रही थी। उसने पास पड़े गमछे से महिला के दोनों हाथ बांध दिए। महिला चिल्लाई ना, जिसके चलते उसने वहीं पर पड़े पॉलीथीन के टुकड़े महिला के मुंह में घुसेड़ दिए और महिला को पन्नी से लपेट दिया। यहीं पर वह लड़का नहीं रुका, वह महिला को घसीटता हुआ निर्माणाधीन मकान की ओर ले गया। गैलरी से उसने वहीं पर रखे हुए बाइंडिंग तार को उठाया, महिला के मुंह में लपेट दिया, जिसकी वजह से महिला चिल्लाए ना। नारियल की रस्सी को लेकर उसने महिला के दोनों हाथ, जो उसने गमछे से बांध रखे थे, उसमें लपेटकर दरवाजे के चौखट से बांध दिए और उछल उछल कर अपने पैरों से उसने महिला को जमकर पीटा। महिला की हालत जब खराब हो गई तब उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। बालक यहीं नहीं रुका, उसने दुष्कर्म करने के बाद वहीं पड़ी लकड़ी को महिला के गुप्तांग में डाल दिया। साथ ही हंसिए से उसने महिला के ऊपर कई वार किए, जिससे महिला की मौत हो गई। यह सब उसने किया आज से 2 साल पहले, जब वह महिला के घर टीवी देखने जाया करता था। उस दौरान महिला के घर से एक मोबाइल गायब हो गया था, जिसका आरोप उस लड़के पर लगा था उसका बदला लेने के लिए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करने के बाद यह बात रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों को बताई। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीके लाल हत्या को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। 1 फरवरी के दिन हनुमना थाने में कैलाशपुर एक गांव, वहां से सूचना आई कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। तो जिसके संबंध में सबसे पहले तो वहां पे अपराध 302 धारा का पंजीबद्ध किया गया। फिर घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने टीम बनाई। उस टीम ने अलग अलग पहलुओं से काम किया, काम करके इसमें साक्ष्य संकलित किए। पीएम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि वो महिला के साथ गलत दुष्कृत भी हुआ, और जब उसके परिजन आए तो उन्होंने बताया कुछ सामान भी हमारा यहाँ से चोरी गया। इस तरह विवेचना के दौरान ये धाराएँ और बढ़ाई गई, संदेहियों से पूछताछ की गई और काफ़ी संदेहियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से काफ़ी चीज़ें जुटाई, टेक्निकल सेल से भी काफ़ी कुछ चीज़ें जुटाई और इस तरह से हमने आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया, अब जारी है आरोपी, इसको जेल भेज दिया। सर, ये हत्या किस इरादे से मतलब की गई? लूट के इरादे से, दुष्कर्म के इरादे से? 2 वर्ष पहले कुछ मोबाइल चोरी हुआ था उस घर से, तो उस मोबाइल चोरी में इसका नाम लगाया गया था अपचारी का। फिर अपचारी उस बात की एक वो रखता था कि मुझे बदला लेना है, तो उसने मौका अभी पाया जब मृतिका के घर में कोई नहीं थे, उनके पति और बेटा जब इलाज कराने गए हुए थे बाहर, तो उसको ये मौका तब मिला था। अब उसके वारदात को हत्या हसिया से की थी, गला भी दबाया था। और कितने लोग शामिल सर? एक ही सर। उस घर के आसपास और कोई घर नहीं है ना? आवाज ना कहीं होगी है ना? घर है, घनी बस्ती, आजू बाजू घर। रात 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 में
बारह जैसे सर आपने बोला कि बदले की भावना से उसने ये सब कार्य किया, ये सब जांच का विषय है और साइकोलॉजी कल भी कुछ चीजें रहती है, हम सब चीज का परीक्षण करा रहे हैं।